so that they will not be looking at the moment. They want to have people again. दोस्तों गुफ्तगू के इस प्रोग्राम में एक दफा फिर आप सबका खैर मकदम है, लेकिन आज मैं अक्सर बहुत खुश होकर आपका वेलकम करता हूँ, आपकी तारीफें करता हूँ, लेकिन आज शायद उस लिहाज से वो अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने से कई एक लोगों को पता होगा कि आज ही सुबह में सैयद शाहबुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले निज़ामुद्दीन पाकिस्तान से मिट्टी मंजिल करके वापस लौटे हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं उनके लिए। प्रोग्राम फॉर्मली शुरू करूँ, मैं सईद आपा से गुजारिश करूँगा कि वो सिर्फ कुछ अल्फाज कम से कम सैयद शाहबुद्दीन साहब के बारे में ज़रूर कह दें, उसके बाद से हम लोग ये प्रोग्राम शुरू करें। सईद आपा, हम लोगों में से चंद ऐसे हैं कुछ इनकी इनके बारे में जानते होंगे या उनकी मेमोरी होगी, मगर ज़्यादातर नौजवान लोग शायद ये नहीं जानते हों कि सैयद शाहबुद्दीन साहब ने जो उनका बहुत बड़ा काम था वो इन्होंने जो एक मुसलमानों के मसले पर उन्होंने बहुत अच्छे तक काम किया, मगर मुस्लिम इंडिया जो उन्होंने निकाला और उसमें जो जिस तरह से उन्होंने आदाद और शुमार जिस तरह से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया और मुसलमान सेंट्रल कमेटी से पहले उन्होंने उसमें मुसलमानों की जो कंडीशन थी उस पर एम्पेरिकल डेटा से उन्होंने अपनी बात रखी और पूरे बरसगीर में हिंदुस्तान में ख़ास तौर से बरसगीर में मुस्लिम इंडिया एक बहुत ही मोतबर रिसाला था और हमारे साथ उन्होंने हर मौके पे जब प्लानिंग कमीशन में मैंने 10 साल माइनॉरिटीज़ का सेक्टर मेरे नीचे में था तो हर कदम पे हर वक्त उन्होंने कोऑपरेट किया। हम उनसे कई दफ़ा हम उनसे मुत्तफिक नहीं होते थे, हम लोग की राय मुख्तलिफ होती थी, मगर देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ये उनमें एक तरह का एक देयर वाज अ फाइटिंग एक जज्बा था उनमें कि जिसमें कभी अपने अपनी बात कहते हुए नहीं झगड़ते थे और न कोई कॉन्ट्रोवर्सियल बात कहे या उनके खिलाफ या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हट के कोई बात कहे तो उस पर उनको किसी किस्म की रंजिश होती थी। तो ये ऐसी हस्ती थी हमारे लिए, बहुत ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी थी। अब नाउ वी थिंक अबाउट हिम एंड वी पे हिम आवर रिस्पेक्ट, सो दैट्स ऑल आई वांटेड। हम बहुत शुक्रिया सईद आपा, और जिन लोगों को शायद मालूम ना हो उनके लिए बताइए कि कल सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मयूर विहार में जो उनका घर है वहाँ पर कुरान खानी है, आप में से जो शरीक होना चाहते हैं वो वहाँ चले जाएँ। बहरहाल अब वापस मैं गुफ्तगू की तरफ लौटता हूँ। कुछ रोज पहले हम लोगों ने गुजरात में जो 2002 में जो ट्रायल्स हुए थे या मैसेकर हुआ था उसका 15 साल पूरा हुआ, उस पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए दिल्ली में, अहमदाबाद में और दूसरी जगहों पर, लेकिन जब इस तरह की बरसी मनाई जाती है तो ये एक दूसरा मौका होता है कि आप इसी बहाने उन लोगों को भी याद कर लें जो इसी तरह के दूसरे कम्युनल वायलेंस के शिकार रहे हों, चाहे वो दिल्ली की सड़कों पर 84 में सिखों का खून बहा हो या 89 में गुजरात में भागलपुर में जो कुछ हुआ, या फिर हाशिमपुरा में हरियाणा में 80 में मुरादाबाद में जो कुछ हुआ, बिहार शरीफ में 80 में जो कुछ हुआ, या सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उन सब मार दिए गए चाहे जिस भी वजह से उनकी मौत हुई
ये एक ऐसा मौका होता है कि हमें उनको भी याद करना होता है। और इत्तेफाक से दो चार रोज पहले एक नई किताब का तर्जुमा हुआ, स्प्लिंटर जस्टिस जो इस वक्त मेरे हाथ में है, तो उसमें भी यही कहा गया है कि जो भारत को राइट थे 1989 में उसमें भी तकरीबन 1000 लोग मारे गए थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त 24 आवर्स का न्यूज़ चैनल नहीं होता था तो शायद हमें से बिहार के बाहर जो लोग हैं वो बहुत कम उसको जानते हैं कि भारत उन्हें क्या हुआ और दूसरे कमरा लाइफ में क्या हुआ। मैंने अभी तफाक से मलका बेगम जिनको आप फेस ऑफ भारत राइट कह सकते हैं, वो 16-17 बरस की थी, उनके पूरे खानदान को उनके सामने मार दिया गया, उनके गाँव चंदेरी में तकरीबन 65-66 लोग मार दिए गए और उन्हें भी इंसाफ के लिए उतनी ही मुश्किलों से गुजरना पड़ा जितना गुजरात के बिल्कुल बानो या ज़ाहिरा शेख या सत्या आप गुजर रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कम्युनल वायलेंस में आखिर स्टेट का रवैया क्या होता, सरकारें चाहे कांग्रेस की हों या दूसरी पार्टियों की हों या मुजफ्फरनगर में कुछ हुआ समाजवादी पार्टी के अखिलेश की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखा यह जा रहा है कि कमोबेश सरकारों का रवैया जो होता है वो कम्युनल वायलेंस में तकरीबन एक जैसा होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना गुफ्तगू में इसी पर बात कर दी जाए और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो कि राइटर यंग लॉयर और एक्टिविस्ट वरीशा फरासत का मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया कि बिल्कुल मैं आ जाऊँगी आपके प्रोग्राम में। तो हम बहुत मशहूर हैं वरीशा के कि वो आ गए, हालांकि इस किताब को उनकी दोस्त प्रीता झा ने मिलकर जो उन्होंने लिखा है, मैंने उनको भी फ़ोन किया था लेकिन वो अहमदाबाद में हैं और उनको इतने कम वक्त में बुला पाना हम लोगों के लिए मुश्किल था। तो अगर वो दोनों आती और दोनों बात करती तो यकीनन और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी चूँकि वरीशा है यहाँ पर तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस पर बात की जाए। तो ये किताब तो सिर्फ भागलपुर और गुजरात की बातें करती है लेकिन जो बातें हैं वो कम्युनल वायलेंस में मास वायलेंस में वो चाहे आप नेवी की बात कर लें चाहे किसी और कम्युनल वायलेंस की बात करें, मोर और स्टेट का जो कैरेक्टर देखा गया है पुलिस का जो रवैया वो यूपी की पीएससी हो या बिहार की डीएमसी हो या गुजरात की पुलिस हो, उनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और यही हम जैसे आम इंसानों को ये समझने की ज़रूरत होती है कि कम्युनल वायलेंस में स्टेट का रवैया क्या होता है, जस्टिस हासिल करना कितना मुश्किल होता है। तो मैं बहुत इज्जत के साथ सबसे पहले वरीशा को इससे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ, लेकिन चूँकि ये किताब की बात है तो इसी बहाने मैं इसको क्यों ना इसकी फॉर्मल इजरा भी कर दूँ। तो मैं बहुत एहतराम के साथ सैदापा से गुजारिश करूँगा कि वो भी तशरीफ ले आए और हिंदुस्तान के दो मायनाज जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, एक मनोज मिट्टा साहब और एक मुजम्मिल जलील साहब। मैं मनोज से गुजारिश करूँगा कि वो भी आ जाए और मुझे सख्त मना किया गया है कि मैं मुजम्मिल साहब को कतई ना बुलाऊँ, इसलिए मैं उनको कतई नहीं बुलाऊँगा, लेकिन राइटर की बहुत अच्छी दोस्त और एक बहुत अच्छी स्पीकर और एक्टिविस्ट लॉयर जो गुफ्तगू की पहले स्पीकर रह चुकी हैं शाहरुख, वो भी इत्तेफाक से मौजूद हैं। तो मैं इन तमाम चारों साथियों से गुजारिश करूँ कि वो आ जाएँ, वो किताब का एक फॉर्मल इजरा हो जाए, उसके बाद वरीशा अपनी बातें रखेंगी। तो जैसा कि गुफ्तगू का फॉर्मेट है कि स्पीकर तकरीबन 35-40 मिनट अपनी बातें रखेंगी और उसके बाद आपके सवाल होंगे और फिर हम चाय पीएंगे। बहुत शुक्रिया वरीशा। मुझे बुलाने के लिए और मुझसे कहा गया है कि 30 या 40 मिनट तक बोलना है, मैं कोशिश करूंगी कि कम वक्त में ही ख़त्म कर दूं जो बात रखी है, क्योंकि आप लोग जो यहाँ पे सारे दोस्त मौजूद हैं और यहाँ पे जो भी
लोग मौजूद हैं, मुझको लगता है ये बहुत सारे ये जो मुद्दे हैं ये आपके लिए नए नहीं होंगे। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे मेरी किताब में और भी किताबें पढ़ी होंगी और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा। मुश्किल बात ये है कि मेरी जो साथी और दोस्त जिन्होंने ये किताब मेरे साथ लिखी है पीता था वो नहीं है, और गुजरात के इस साल 15 साल हुए हैं, तो मैं गुजरात के बारे में ज़्यादा तो बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो गुजरात और भागलपुर का जो हमारा चैप्टर है वो उसमें कॉमन है, तो मैं उन सब चीज़ों से शुरू करूँगी और फिर भागलपुर के बारे में थोड़ी लंबी बात रखूँगी, और आप मेरी ज़रा उर्दू अगर इधर उधर हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जो हमने ये किताब लिखी है ये दो मेन मैसेकर्स पे बेस्ड है, एक है गुजरात का मैसेकर 2002 जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, और दूसरा जो है वो भागलपुर जो कि 1989 में मैसेकर हुआ था, उसमें भी ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे। इन दोनों मैसेकर्स की एक बात ये है कि यहाँ पे हम इंडिया में बहुत बार आप कभी भी किसी जलसे में जाइएगा तो एक आम चीज़ आपको सुनने के लिए मिलेगी कि भाई यहाँ पे कम्युनल रायट हुआ था। हमारी किताब एक चीज़ ये दिखाती है कि ये कम्युनल रायट नहीं था, क्योंकि कम्युनल रायट तो दो कम्युनिटीज़ के बीच में होता है जो कि अगर पूरी तरह से मतलब आपस में लड़ती हैं या एक ने पत्थर मारा, एक के दो लोग मरे, एक के तीन लोग मरे, तब आप इसको कम्युनल रायट कह सकते हैं। ये जो है हमारे इंडिया में हमने जो पोस्ट इंडिपेंडेंस देखा है, चाहे दिल्ली कह लें, भागलपुर कह लें, गुजरात कह लें या सिख के जो दंगे हैं, वो एक तरह से दंगे नहीं थे, वो पोग्रॉम्स थे, मतलब एक कम्युनिटी का मैसेकर था। तो मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगी कि हमको इसको जनरली जो हम एक टर्म करते हैं यूज़ कम्युनल राइट, ये कम्युनल राइट्स नहीं थे, ये तो एक प्लानिंग के तहत जिसमें पुलिस भी एक तरफ हो गई थी उस तरह का वायलेंस था, जो कि इसीलिए तो आप अगर गुजरात में देखेंगे, अभी तो 15 साल गुजरात को हो गए हैं, कि 4 या 5 दिन में 2000 से भी ज़्यादा लोग कैसे मारे जा सकते हैं, जबकि आपका जब तक कि आपका पूरा स्टेट नहीं साफ हो जाए और पुलिस आपकी नहीं मिल जाए। और यही चीज़ आप देखेंगे कि हर जगह हुई है, दिल्ली में भी यही हुआ था, जब बल्कि गुजरात के बारे में तो बात भी होती है या भागलपुर के बारे में भी कभी कभी बात होती है, जो दिल्ली मैसेकर जो असम में हुआ था उसमें तो 3000 से ज़्यादा लोग मुझको लगता है कि मुश्किल से 2 या 3 दिन में मारे गए होंगे, तो इतने लोग जो है वो कम्युनल रायट में नहीं मारे जा सकते हैं, वो एक कम्युनल प्रोग्राम में मारे जा सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ मैं सामने रखना चाहूँगी कि हमको अपनी वोकैबुलरी चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक कि हम वोकैबुलरी चेंज नहीं करेंगे हम ये नहीं समझा पाएंगे कि उस वायलेंस का स्केल क्या था और उसमें स्टेट की कम्प्लिसिटी क्या थी। वो जो एक हम बात कहते हैं ना कि बड़ी डिलिबरेट प्लानिंग कि ये करेंगे तो ये होगा, गुजरात के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि भाई गोधरा का जस्टिफिकेशन था, लेकिन वो गोधरा का जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जब तक कि गुजरात को उस और ये किताब दिखाती है कि जब तक कि गुजरात को उस तरह से प्लान नहीं किया गया होता तब तक इस स्केल पे वायलेंस नहीं हो सकता था। एक तो ये मेन बात है। दूसरी बात जो मैंने ऑलरेडी कह दी है टू सम एक्सटेंट कि इसमें स्टेट जो है वो स्टेट और स्टेट के जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एक तरह से मेन क्या होता है पुलिस जो कि रायट को रोकेगी, तो वो जो है वो एक तरफ मिल जाती है, या तो वो चुपचाप खड़े होकर, हमने भागलपुर में देखा मैसेकर आफ्टर मैसेकर, अभी एक बार भाई ने जिक्र किया था मलिका बेगम का जो कि एक आइकॉन बन गई है, उन्होंने अपने फैमिली के 66 लोगों को अपने सामने खोया है चंदेरी विलेज में भागलपुर के दंगे के दौरान, और वहाँ पे आप देखिएगा कि मलिका की अगर आप कहानी इस किताब में पढ़िएगा तो वो बताती हैं कि पहले कैसे पुलिस आई
और पुलिस ने ही धोखा दिया, क्योंकि वहां पे जब पुलिस आई तो उसके साथ एक आर्मी की बटालियन भी, जब चंदेरी मैसेकर हुआ उसके पहले आर्मी की भी एक बटालियन आई, और वहां पे जो 3-4 पुलिसमैन जो कि लोकल बिहार पुलिस के तैनात थे, उन्होंने आर्मी को कहा कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आप लोग जाइए, और आर्मी को कहा कि आप दूसरे किसी गांव में जाइए, वहां पे अभी मार काट चल रही है, आप लोग वहां पे रोकिए। और जैसे ही पुलिस निकली है, पुलिस ने अपने हाथ ऊपर कर लिए और दंगाइयों ने हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 66 लोग मारे थे। तो ये जो पुलिस का रोल होता है, ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली ऑन लुकर या साइलेंट स्पेक्टेटर का नहीं होता है। भागलपुर में ही एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आई थिंक कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं मुझको, मतलब 20-21 साल के, तो 89 के राइट के बारे में तो नहीं पता होगा, लेकिन एक मैसेकर था लुगाइन मैसेकर लुगाइन, और वो बहुत ही नोटोरियस था, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि 100 से भी ज़्यादा लोग लुगाइन गाँव के मारे गए थे, और वहाँ का जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था उसका हाथ था, उसको बाद में सजा भी हुई जो ASI था। बट उस मैसेकर में, लुगाइन के मैसेकर में, लुगाइन में क्या हुआ कि इन्होंने 100 लोगों को मार दिया और पहले कुएं में फेंक दिया। अब जब 100 लोगों को मार करके आपने कुएं में फेंक दिया है तो उसमें से तो मतलब बदबू आने लगी, और उनको लगा, और उनको लगा होगा कि ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि 100 लोगों को हमने कुएं में मार करके डाल दिया है। लेकिन तो इन्होंने फिर क्या किया कि जो गांव वाले जो कि इस मैसेकर में इन्वॉल्व थे, उन्होंने उनको कुएं से निकाल करके 100 बॉडीज को एक वो जो गोभी का खेत होता है उसमें उनको दफना दिया और उसके ऊपर गोभी उगा दिया। और ये भागलपुर का मैसेकर अक्टूबर एंड 1989 में हुआ था, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद एक DIG अजीत दत्ता थे, ही वॉज अ वेरी गुड ऑफिसर, उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेट किया और फिर ये जो बॉडीज हैं इनको निकाला 1.5 महीने के बाद, एंड दैट बिकेम अ ह्यूज न्यूज। इसीलिए लुगाई का नाम आपने भागलपुर के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है सुना होगा, क्योंकि नॉट ओनली द ब्रूटैलिटी ऑफ इट बट द वे जो एक प्लानिंग थी, और उसमें एक तरह से अगर आप पूरा गांव नहीं इन्वॉल्व होगा तो ये कैसे हो सकता है, और पुलिस नहीं इन्वॉल्व होगी तो कैसे हो सकता है। तो जब आप ये सारे किस्से सुनेंगे या हमारी जो किताब है उसमें आप पढ़ेंगे तो ये ज़रूर लगेगा कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से मिल जाती है। तो ये दूसरा पहलू है जो कि मुझको लगता है कि हर रायट में कॉमन है, हर कम्युनल प्रोग्राम में कॉमन है। और तीसरी एक बात ये है कि अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगा कि कहीं भी कम्युनल वायलेंस 2 या 3 घंटे से ज़्यादा रहे तो वो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जैसे जो क्रिमिनल लॉज हैं इंडिया के, जैसे CRPC उठा के उसके लिए स्पेशल लॉज की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या बाकी सारी जो लॉज हैं उसमें इतना पावर है कि आप किसी को भी बुला सकते हैं, यहाँ तक कि DA के पास पावर है कि आप आर्मी तक को बुला सकते हैं, तो क्यों नहीं बुलाया जाता है, क्यों 2 या 3 या 4 दिन दंगे को चलने दिया जाता है? इसलिए क्योंकि स्टेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग द वायलेंस, और वो जो चीज़ है वो बहुत मुझको लगता है साफ तरह से सामने आती है अगर आप कोई भी प्रोग्राम देखिए। और मतलब तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो उसको बहुत अच्छे से रोक सकता है, लेकिन वो चाहते नहीं है। और चौथी बात जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप देख लीजिए कि दंगे पे दंगे क्यों होते जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको और भी बढ़ावा देती है। और वो एक बात ये है कि जो भी मैसेकर्स होते हैं उसके लिए जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस नहीं मिलता, मतलब कानूनी तौर पे उनके लिए मतलब कोई भी एवेन्यू नहीं है। अगर आप गुजरात में देखें, गुजरात शायद वो पहला ऐसा कम्युनल प्रोग्राम था जिसमें कुछ केसेस में कन्विक्शन हुआ, लेकिन अगर आप प्रीता का जो चैप्टर है अगर पढ़ेंगे तो आप ये देखिएगा कि कितने सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें एक्विटी नहीं हुआ, और गुजरात में इसलिए भी कन्विक्शन हुआ क्योंकि वहाँ के जो विक्टिम्स हैं उनका बहुत सपोर्ट, सिविल सोसाइटी के जो लोग थे
उन्होंने किया, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने, लॉयर्स ने। लेकिन अगर आप बाकी दंगे देखें, जैसे फॉर इंस्टेंस भागलपुर, तो भागलपुर में तो कोई सपोर्ट ही नहीं था, सिविल सोसाइटी का भी बहुत कम सपोर्ट था। और मलिका बेगम, जिसका नाम हमने पहले लिया है, भागलपुर में वो एक तरह से इसलिए भी मिसाल बनी क्योंकि उन्होंने अकेले अपनी लड़ाई लड़ी। और मैं एक चीज़ इसमें ये बताना चाहूँगी कि मलिका की फैमिली के जो और विलेज के जो 66 लोग मारे गए थे, और उनको जो है मलिका को ना वहाँ का जो पोखर या तालाब होता है गाँव का, उसमें फेंक दिया गया था और उनका पैर काटा गया था। लेकिन इतने देर में आदमी आ गई, मतलब कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और उसकी ये मिसाल थी कि उनको बचना था, वो बच गई। और जब वो बच के निकली तो उन्होंने ठान लिया था मलिका ने कि मैं इनकी सज़ा करा के रहा। और काफ़ी उनके ऊपर दबाव भी आया, पहले तो उनको कहा कि जैसे 17 अक्यूज थे जो जिनका नाम था, तो उनको बोला कि तुमको 10-10 लाख हर अक्यूज का देंगे, तुम अपना केस वापस ले लो और अपनी गवाही मत देना कोर्ट में। उसके बाद जब पैसे से नहीं मानी तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरे सामने बच्चों को काटा गया है, मैं नहीं तुमसे पैसे लेकर के केस वापस दे सकती। जब पैसे से बात नहीं बनी तो उनके ऊपर और तरह का दबाव डाला गया, जैसे फिर उनको धमकियाँ भेजी गई कि देख लेंगे तुमको कोर्ट में, कोर्ट से यहाँ कैसे जाओगी, तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर देंगे, इस तरह की बातें भी हुई। फिर भी उन्होंने अपना केस नहीं वापस लिया, और ये बहुत ही मुझको लगता है कि ऐसी मिसाल है। और उनके पास ना कोई सिविल सोसाइटी का सपोर्ट था, ना किसी का। हम लोग तो बहुत बाद में 2011 में गए अपनी रिसर्च शुरू करने, तब तक उन सब केसों का फैसला हो चुका था, हाई कोर्ट में भी उनको उनका जो उनके केस में जो कन्विक्शन हुआ था 16-17 अक्यूज का, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड कर दिया था, उसको मान लिया था। तो उन्होंने एक अकेली लड़ाई लड़ी, और वैसे बहुत ही कम लोग थे भागलपुर में, क्योंकि हम एक जो बात आती है कि विक्टिम्स लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ते हैं, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि भागलपुर में अगर आप देखें तो बहुत सारे जो लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, आप उनकी गांव की जो ज़मीन वगैरह थी वो उनसे ले ली गई थी, वो वहाँ से गांव अपने छोड़ करके मेन टाउन में आ गए थे, तो उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक लॉस सफ़र किया था। उसके बाद डर बना हुआ था, कैंप से भी जब बाहर निकले तो डर बना हुआ था, कोई सपोर्ट नहीं था, पुलिस उस वक्त FIR फाइल नहीं कर रही थी। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को भी बताया कि जब हम अपने FIR फाइल करने गए तो पुलिस ने मना कर दिया। और भागलपुर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसमें जो फिगर्स थे कि कितने लोग मारे गए थे, वो ऑलमोस्ट 970 या 1000 के करीब था। लेकिन जब हमने अपनी रिसर्च की और लोगों से बात की तो हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी बॉडीज कभी मिली ही नहीं, मतलब उनको मार के या तो फेंक दिया गया था या उनकी बॉडीज को पता नहीं किसी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी बॉडीज कभी मिली ही नहीं और पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। और वो जो लोग थे वो तो, और उनके जब उनकी बॉडीज ही नहीं मिली तो पुलिस FIR ही नहीं दर्ज करेगी, जब पुलिस ने FIR ही नहीं दर्ज किया तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि हुआ या नहीं हुआ। और जो वो कॉम्पनसेशन का अमाउंट था भागलपुर में, वो लिंक था कि अगर डेड बॉडी मिली तब FIR हुई और उसके बाद आपको कॉम्पनसेशन का अमाउंट मिलेगा, तो उनकी डेथ का कहीं एक तरह से आप कहिए तो हिसाब ही नहीं था। और जो नंबर्स आए हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी की भी, वो भी मुझको लगता है कि इट इज़ एन अंडर एस्टिमेट। जब हमने रिसर्च किया तो हमें लगा कि ऑलमोस्ट उससे या तो डबल या कम से कम ऑलमोस्ट एटलीस्ट 1500-2000 पीपल एंड मोस्टली मुस्लिम्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट मैसेकर। ये एक अलग बात सामने आई। अभी तक जो मिसिंग लोग हैं उनकी फैमिलीज को कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि सरकार ये कहती है आप FIR लेके आइए, FIR जब आप दर्ज कराने जाएंगे पुलिस ये कहती है कि आप हमें बॉडी दिखाइए, तो एक तरह से आप कहिए कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हुई है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दो तीन चीज़ें और भी हैं। अब मैं एक स्मॉल चीज़ और ये कहूँगी कि
जब भागलपुर का दंगा हुआ तो उस वक्त बिहार में कांग्रेस का एक चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी पावर में थी। अगर आप कांग्रेस पार्टी का रोल देखिए तो राजीव गांधी को 89 में जब दंगे शुरू हुए तो उसके दो दिन के बाद भागलपुर पहुँचे। भागलपुर में उस वक्त एक एसपी था जिसका नाम था केएस ध्रुवे और वो बहुत ही कम्युनली बायस्ड बंदा था और उसका जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट बाद में आई उसमें उसके ऊपर वो जो केएस ध्रुवे है उसके ऊपर उसने उस रिपोर्ट में कहा कि ही वॉज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपेंड बिकॉज ही कुड हैव स्टॉप्ड इट। अब ये हुआ कि राजीव गांधी आए, वो पहुँचे भागलपुर, तो जब वो बाहर आए तो VHP और BJP और बजरंग दल के एक्टिविस्ट खड़े हुए थे, ठीक है, और सबने इनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ये जो केस DOAD है इसको सस्पेंड कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही कम्युनल ऑफिसर है, ऑलरेडी यहाँ पे बात बहुत बढ़ चुकी है और भी वायलेंस होगा और ये फिर कंट्रोल में नहीं आ पाएगा, उनको ये मतलब सलाह दी गई। तो राजीव गांधी ने वो जो है ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। फिर वो जब एयरपोर्ट से निकले तो BJP VHP बजरंग दल RSS के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्या कहें प्रोटेस्ट किया और हंगामा खड़ा किया कि इसका जो है सस्पेंशन ऑर्डर आपको रिवोक करिए। और फिर राजीव गांधी ही केम अंडर प्रेशर एंड ही रिवोक द सस्पेंशन ऑर्डर। इनफैक्ट जब हम लोग इस बार भागलपुर गए थे तो सब ने ये बोला कि अगर उस केस DOAD का जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो रिवोक नहीं होता तो कम लोग बिकॉज ही हैड ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड एज बीइंग द प्रॉब्लम। और वो जो मैं पहले बात कह रही थी कि 4-5 दिन तक जब दंगे चलते हैं तो ये 2-3 दिन के बाद भी अगर इसका इसको सस्पेंड कर दिया जाता है इस ऑफिसर को तो हो सकता है कि चीज़ें डिफरेंट होती या कम लोग मारे जाते। तो वो भी एक तरह से मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि पॉलिटिकल विल के स्टेज पे कभी भी कम्युनल वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी नहीं दिखाता है। उसके बाद किसी केस DOAD को अगर आप ले लीजिए तो उसके साथ क्या हुआ, अगर वो इतना मतलब इस तरह आप अगर भागलपुर में जाकर के किसी से भी बात करिएगा कि भागलपुर के दंगे में 2 नाम आप बताइए जो कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थे, आपको 2 नाम देंगे। एक तो एक कामेश्वर यादव का, वो मतलब लोकल मसल मैन, उसको बाद में पनिशमेंट हुई है कुछ केसेस में, और दूसरा है केस द्विवेदी को नीतीश कुमार की गवर्नमेंट उसके बाद ही वॉज प्रमोटेड, उसका करियर जो है वो तो बिल्कुल फ्लरिश किया उसके बाद। ये नहीं है कि कोई पनिशमेंट चलो सस्पेंशन नहीं रिवोक हुआ, आपको बाद में कोई सजा मिले कि आपने एक मैसेकर के ऊपर यू हैव बेसिकली ओवरसीन अ मैसेकर, लेकिन उसके बाद भी उसका तो एक तरह से, और उसको नीतीश कुमार गवर्नमेंट के टाइम में ही वॉज रिकमेंडेड फॉर द प्रेसिडेंट्स मेडल एंड ही रिसीव द प्रेसिडेंट्स मेडल एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ यू नो कम्युनल प्रोग्राम। आप अगर बहुत सारे साथी यहाँ पे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के भी कॉन्टेक्स्ट से वाबस्ता होंगे उनको ये पता होगा कि वहाँ पे भी जो एक IGP कलूरी था क्या, उनको एक तरह से अवार्ड्स और प्रमोशंस जो हैं ये जो ऑफिसर्स हैं जो लोगों को मारते हैं उनके लिए तो मतलब आगे जाना बहुत ही आसान हो जाता है और उनको सजा तो दूर की बात है, उनको तो प्रमोशन और प्रेसिडेंट मेडल मिल रहे हैं। और ये केस DOAD ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वहाँ के विक्टिम्स नहीं कह रहे हैं, यहाँ ये जो है कमीशन गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट कह रहे हैं तो उसकी कम से कम कुछ तो सैंक्टिटी होनी चाहिए। आपने चलिए मुकदमे नहीं चलाए उनके खिलाफ किसी भी रीज़न से, बट कम से कम कहीं किसी लेवल पे कभी तो इन ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है जिसके वजह से दे बिकम इन्वॉल्व और फिर दंगे होते रहते हैं और जस्टिस कभी नहीं मिलती है। इसी तरह से आप अगर भागलपुर में और भी मतलब ये जो मैंने एक कामेश्वर यादव की बात की, ऑब्वियसली जब एट द टाइम दैट यू नो लालू प्रसाद वॉज इन गवर्नमेंट अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड अस उस वक्त
कि कामेश्वर यादव है पॉलिटिकल क्षेत्र में, इसीलिए कभी उसका ट्रायल नहीं हुआ। फिर जब नीतीश कुमार गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कुछ जो दंगे के केसेस हैं उनको फिर से शुरू किया, और उसमें एक जो फर्स्ट ऑलमोस्ट भागलपुर टाउन का फर्स्ट जो मैसेकर था वो एक था पर्वती एरिया है वहाँ का मैसेकर था, जिसमें कामेश्वर यादव को भी का भी नाम था। तो फिर उन पर ट्रायल चला, अभी उसको सजा हुई। लेकिन मैं ये पॉइंट इसलिए बताना चाह रही थी कि अगर आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, and I'm talking about the secular parties also, and that is something we need to question constantly, कि secular parties ने भी जो है वो communal violence को कभी ना तो seriously रोका, या जब हुआ तो उसके लिए justice की demand की, and that is the problem, which is why you see that जब गुजरात 2002 हुआ, obviously the BJP was in power there, और हमको एक चीज़ ये भी पता है कि वहाँ पे क्या हुआ। अभी गुजरात का मैं फैक्ट्स नहीं बताना चाहूँगी, आप लोग सब फेमिलियर हैं, बट इट वॉज ग्रूसम वायलेंस, अगेन इट लास्टेड फॉर मेनी डेज, बट गुजरात डिड नॉट हैपन इन आइसोलेशन, वो एक कम्युनल वायलेंस का स्पेक्ट्रम था, उसमें गुजरात हुआ। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और रखना चाहूँगी कि मे बी दी ओनली डिफरेंस बिटवीन द सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज एंड लेट्स से द बीजेपी इज, कि अगर आप कोई भी दंगा उठा के देखें तो उसमें जो इंस्टिगेशन होता है या उसमें जो भड़काने वाली बातें होती हैं वो जो है वो बीएचपी आरएसएस बजरंग दल उसमें ये बहुत ही ज़्यादा शामिल होते हैं, और ये हम भागलपुर में भी देखते हैं दैट इन फैक्ट द वायलेंस इटसेल्फ डिड नॉट हैपन ओवरनाइट, उसमें जो आरएसएस के कार्डर्स थे बीएचपी के कार्डर्स थे वो जो बाबरी मस्जिद का जो इशू था उस पर उन्होंने काफ़ी कम्युनल फ्लेयर किया, और अगर आप एंटी सीख राइट्स भी यहाँ पे देखें वहाँ पे भी आरएसएस कार्डर्स वर देयर ऑन ग्राउंड। एक हरकोश रिंगवाल हैं, एक जर्नलिस्ट हैं कैरोबान के लिए लिखते हैं, उन्होंने 1984 सीख राइट्स के बारे में काफ़ी लंबा लेख लिखा था, उसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे आरएसएस के कार्डर्स लोकली वर इंस्टिगेटिंग हिंदूज अगेंस्ट द सिख्स एंड दे वर इन्वॉल्व। तो मे बी द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सेक्युलर पार्टीज एंड द बीजेपी इज दैट ऑफकोर्स द आइडियोलॉजी इज नॉट कम्युनल, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है दे हैव ऑल बीन द सेम, एंड दैट आई थिंक वी नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ, क्योंकि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये पार्टी बेहतर है या वो पार्टी बेहतर है। मुझे ये लगता है कि आइडियोलॉजी में भले ही ये पार्टीज बीजेपी की आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसमें जो है आरएसएस उसका फाउंडर है, लेकिन हम इस बात को भी ध्यान में हमें रखना चाहिए कि बाकी भी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, और उस अगर वो जो बात मैं कह रही हूँ उसमें अगर आप मुजफ्फरनगर आए तो उसमें समाजवादी पार्टी जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है उसमें भी उसने वो होने दिया। सो आई थिंक कि हमको जब व्हेन वी लुक एट कम्युनल वायलेंस वी मस्ट लुक एट इट इन अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और हमें ये भी देखना चाहिए कि किसने किस स्टेज पे ये वायलेंस इनेबल किया है। आई डोंट नो कि कितना मैंने ऑलरेडी बोल दिया और क्या बाकी बातें बची हैं, बट दो तीन चीज़ें मैं बस और रखना चाहूँगी, एंड यू नो एंड आई विल स्टॉप। एंड वन थिंग इज दैट हम लोग अक्सर जो कम्युनल वायलेंस है वो एक आइसोलेशन में देखते हैं, बट आई थिंक आजकल ये जो हालात हैं इंडिया में जो चल रहा है और जो कम्युनल पार्टीज मतलब बीजेपी और आरएसएस का जो एक गठबंधन है उस अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मुझको ये लगता है कि कम्युनल वायलेंस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट ओनली बिकॉज एक तरह की टारगेटिंग चल रही है, हर लेवल पे टारगेटिंग चल रही है, बिकॉज जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है आप उमर खालिद यहाँ पे बोल सकते हैं वहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, टू की दादरी में भी उनके ही वॉज स्टोरिंग डीप और मार दिया, या यहाँ पे मवाना में आप देख लीजिएगा बिरयानी में चेक कर रहे थे डीप है या नहीं है, तो वो जो एक वायलेंस है That is a continuum. So I don't think कि हम लोगों को देखना चाहिए कि communal violence हुआ और ख़त्म हो गया।
बिकॉज वो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जब तक कि उसके लिए जस्टिस नहीं होती है, जब तक कि उसके लिए जो लोग जिम्मेदार होते हैं या वो पुलिस ऑफिसर्स हों या पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या फिर जो लोकल मॉब यू नो पीपल हु लीड द लोकल मॉब्स हों, जब तक कि उनको सज़ा नहीं होगी, ऑल ऑफ दैट कम्युनल वायलेंस उसने इस तरह के वायलेंस को इनेबल किया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई जब इतने बड़े बड़े एपिसोड्स में इनको जस्टिस नहीं मिला है तो हम दादी ने एक आदमी को मारेंगे तो क्या ये जस्टिस ले पाएंगे, और वो बात सच भी है, बिकॉज वो जो टारगेटिंग हुई है इट स्टार्टेड विद द वायलेंस ऑफ द काइंड दैट वी सी। मे बी अब हो सकता है कि बहुत बड़े 2000 लोगों को नहीं मारे या 3000 लोगों को 3 दिन में नहीं मारे, बट वो जो स्टैगर्ड वायलेंस है that will continue and that targeting will continue and that I think we are seeing very much these days. So I think communal violence has basically led to this kind of violence because those episodes ke liye kabhi justice hi nahi mila, kabhi kisi ko saza hi nahi hui. I can't think of except for Maya Kodnani, I can't think of one politician who has ever been punished in a communal violence, one politician, and it is open secret ki jab bhi communal violence hota hai ya कुछ भी होता है 1983 में दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व एंड फिर बहुत लोग कहते हैं कि भाई अटल जी तो ही वॉज द मॉडरेट लीडर एंड इट इज एक्चुअली एन आयरनी बिकॉज वी हैव कम टू अ सिचुएशन वेयर वी आर सेइंग दैट अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ मॉडरेट लीडर ही एक्चुअली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3000 पीपल हु वर किल्ड इन दिल्ली. So I mean that is the situation that we are living in because we've actually lost sight of what has happened in the country. कि जो मतलब पहले हुआ है हम लोग भूल जाते हैं कि भाई 83 में क्या हुआ था, कौन पार्टीज थी, कौन इन्वॉल्व था वहाँ पर. और अगर आप नेली की मैं जो बात कर रही थी, अगर आप नेली के विक्टिम से पूछेगा तो उनको कुछ लोगों को 3000 रुपये दिए गए हैं जिनके मतलब फैमिली मेम्बर्स मरे हैं. और एक विक्टिम ने मुझको कहा, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ सबसे कि 3000 होता क्या है, रिबॉक का जूता इससे ज़्यादा का मिलता है. एंड दैट इज़ दैट इज़ हाउ वी ट्रीटेड विक्टिम्स, क्योंकि वो आसान में हुआ, कहीं दूर हुआ, मीडिया नहीं थी, किसी को नहीं पता है. तो फिर यू नो अटल बिहारी वाजपेयी बीन यू कन्वर्ट विद द भारत एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द सिस्टम दैट नो वन रियली कॉल्स आउट कि एक्चुअली क्या हुआ है. और ये सेक्युलर पार्टीज की भी गलती है बिकॉज दे वर इन पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट बिकॉज उन्होंने अपने राज में नहीं रोका, विच इज इम्पोर्टेंट द बीजेपी एंड द आरएसएस. आप क्या कहेंगे, आप किसी भी डिबेट में जाइए 2002 से फौरन उधर से 1984 आ जाता है बिकॉज एंड देन द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन वो चुप हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपने भी तो एक तरह से इस वायलेंस को इनेबल किया, लेट्स से अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी or let's say you've used it against the Muslim community for political reasons. So therefore you've lost your legitimacy and I think, you know, I think that these are just questions that we need to be aware of. And I think that, you know, and I think that, you know, the current times that we are living in, काफ़ी मतलब एक तरह से खतरनाक भी है because we know कि BJP RSS का क्या एजेंडा है and what way they want to take the country in what direction. So but I think I don't want to completely stop on a very like you know on a hopeless note. So I'm saying that I think as a lawyer I can say that we must keep petitioning the judicial system because it may be imperfect. हमने अपनी किताब में भी discuss किया है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत delays हैं, witnesses turn hostile. बट जो भी कुछ होता है वो तो जुडिशल सिस्टम से ही होता है. एंड आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड आई डोंट थिंक कि वो बहुत होता है इज लेट्स से कि एंड आई चेंज द सब्जेक्ट एंड लेट्स से चेंज टू द टेरर केसेस. अब टेरर केसेस में जो कॉम्पनसेशन की बात आती है, अच्छे अच्छे यंग लड़कों के 20 साल ज़ाया हो जा रहे हैं, 25 साल ज़ाया हो जा रहे हैं, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन कम से कम तो स्टेट दे, अकाउंटेबिलिटी उन ऑफिसर्स की जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही गलत किया, उनको फंसाया, उनको पता था कि वो उनको गलत फंसा रहे हैं फिर भी फंसाया. तो जितने लोग जुडिशल सिस्टम के पास जाएंगे कि इनको कॉम्पनसेशन दो, जितने फैमिली जितने और सब लोग उनके मिल करके साथ, एक तो उनको स्ट्रेंथ भी मिलेगी और उससे कुछ
हो सकता है नतीजे भी सामने आए। तो मैं बस यही कह के अपनी बात खत्म करना चाहूँगी कि एक तरह से जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बट मुझको एक चीज़ ये लगती है कि हम लोग जो है वो जुडिशियल सिस्टम को वी डोंट यूज इट इन वेदर इट्स में कम्युनल वायलेंस, क्योंकि कम्युनल मैसेकर्स में भी व्हेन पीपल हैव पुश्ड देयर केसेस कई बार लोगों को सजा भी हुई है, लेकिन वो जो एक लड़ाई है वो एक लंबी लड़ाई है और वो नॉन ग्लैमरस भी बहुत सारी होती है। जैसे अगर आप गुजरात के केसेस देखिएगा, इतने सारे केसेस चल रहे हैं जो कि मतलब एक नीचे स्तर पे चल रहे हैं, तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, उसके लिए एविडेंस चाहिए होता है, और वो सारी चीज़ें जो है वो कभी नहीं मतलब जितनी होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो हो सकता है अगर हम इन सब कुछ चीज़ों पे भी सोचें और जुडिशियल सिस्टम को कैसे बेहतर यूज़ करें, तो मे बी देर इज सम होप अहेड, एंड आई थिंक आई विल स्टॉप विद दैट। थैंक यू वरिषा। और अब सवाल का सिलसिला शुरू होता है, मेरे पास एक और माइक तो होगा ही नहीं। लेकिन सवाल पूछने वालों से एक गुजारिश मेरी रहेगी कि अगर सवाल छोटे हों और डायरेक्टेड हों, और अगर कमेंट भी हो तो जो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर वो थोड़े छोटे हों तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकेंगे। और किताब जैसा कि मैंने कहा, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि किताबें लगी हुई हैं, ये 500 रुपये की प्रिंट है और मैंने 300 रुपये में आपको स्पेशल कॉन्सेशन के साथ ये किताबें दी जा रही हैं। तो आप सब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ ये शौक बरकरार रखें और किताबें ज़रूर खरीदें। और अब सवालों का सिलसिला शुरू होता है। मैं पहला जी Let's weep for victims of program. Let's all weep for them. And let's weep for the government, which is strongly radicalized, and asking people to go to judiciary. Remember the case where the judiciary gave the verdict that it was done to give the character conscience of it. Nothing is there, absolutely. India is a radicalized state and a communal state. I'm sorry. Is that an answer? Should I answer that? I kind of tend to agree with him, although publicly. मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपसे आपकी बात से ज़्यादा सहमत हूँ, लेकिन publicly हम लोगों को कुछ court देखना होता है, इसलिए हम चुप shut your mouth. जो गलती होती है वो जो इन्वॉल्व होते हैं रंगों में या अंडे बनाने में फील होते हैं उनको कोई परेशान करती है। इस तरीके से मैं आपसे चाहता हूँ कि क्या कोई आप लोग या कोई ऐसी सफाई से बंद कर रही हो और अपने तौर पर बोर्ड पर डाल रही हो, क्योंकि अभी यूपी में भी कई जगह दंगे हुए हैं, मतलब संग दंगा हुआ है। और इससे दूसरी होती है तो हमारे सामने देखने आया है तो कानून जैसे कोटा था इस तरीके का मिस यूज़ किया गया था और बहुत टाइम बाद वो लोग रिलीज होते हैं जेल से, तो जो अधिकारी और होते हैं उसमें उनको क्यों नहीं रखा जाता है। मैंने इस पर रिसर्च किए, लोगों से बात की है और वो लोग खुद डरते हैं कि हम अधिकारियों तक नहीं जाएंगे, वो करने के ही बहुत है। तो ऐसा कि उन लोगों को शिक्षा है यहाँ पर आप कुछ बताना चाहें, अधिकारियों के खिलाफ डर भी बहुत होता है और इनको पॉलिटिकल पेट्रनेज भी होता है। एक तो होता है ना कि पॉलिटिकल पेट्रनेज है इसीलिए आपकी सजा नहीं हो रही, जो कि हमने सारे केसेस में देखा है। तो उसको तोड़ने के लिए हर लेवल पे एक मुहिम चलानी होगी, और उसका एक अच्छा एग्जांपल मुझको लगता है जो कि अभी मैं जो छत्तीसगढ़ की बात कह रही थी, IGP कल्लूरी फॉर इंस्टेंस, उन्होंने भी हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में औरतों के खिलाफ रेप्स हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें जिसमें जो IGP कलूरी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन सिविल सोसाइटी हर लेवल पे आकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली से लेकर के और भी जगह इसके खिलाफ एक मुहिम चली कि इसको क्यों मिला, लोगों ने सिग्नेचर्स अपने डाले और सिस्टमेटिकली एक पहले साल में कुछ नहीं हुआ, फिर 2-3-4 साल में फाइनली अब इतना एक बात इतनी बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट तक आ गई थी कि अभी गवर्नमेंट को उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड
स्पेंड करना पड़ा या उसकी पोस्ट चेंज करनी पड़ी। तो मुझको लगता है कि हम लोगों को कुछ ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करके हु वी नो जिनके खिलाफ काफ़ी प्रूफ है उनके खिलाफ यू हैव टू गेट बिहाइंड देम। और अनफॉर्चुनेटली विक्टिम्स जो होते हैं उनके पास जैसे मैंने कहा इतनी रिसोर्सेज नहीं होती हैं। सो फॉर इंस्टेंस इवन दिस केस ड्यूएटी मतलब मुझको लगता है कि इसके खिलाफ कुछ भी इतना सारा सबूत है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर इसके खिलाफ हम जाना चाहें वी कैन स्टार्ट समथिंग। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट दीज आर पीपल दैट विल नीड सम काइंड ऑफ सिस्टमैटिक ऑपोजिशन। लाइक एक दिन में नहीं होगा कि आप इनको पनिश करवा पाएंगे, इनके खिलाफ एविडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, इनके खिलाफ कम से कम कुछ पब्लिक ओपिनियन करना पड़ेगा और तब आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ कोर्ट में जाते हैं वो मुझे लगता है शायद पहला स्टेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो आयोग हैं जैसे माइनॉरिटी आयोग है और अगर जो SC ST आयोग है पहले उनमें जाना चाहिए और उनके थ्रू पनिश करना चाहिए। वो रास्ता कोई नहीं बताता ना कोई NGO उसके पास काम कर रही है, सीधे सब कोर्ट जाते हैं और वहाँ पर जिस तरीके से एडजस्ट है तो वही उसी से वो लोग खत्म हो जाते हैं। इनको पनिशमेंट का पावर नहीं होता है। हाँ ये सिर्फ हाँ ये जो हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक कि आप जो बात कह रहे हैं आई डोंट थिंक कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एवेन्यूज है। आपको कोर्ट में भी जाना चाहिए, आपको NHRC के सामने भी जाना चाहिए, आपको नेशनल कमेटी कमीशन फॉर माइनॉरिटीज आप सारे इन जो भी कमीशन हैं उनके सामने भी जाइए और कोर्ट के सामने भी जाएंगे। और अगर आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो आप इनके सामने जाइएगा क्योंकि इनको पनिशमेंट का पावर नहीं है, तो आप दोनों चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप जाए आई मीन आई एग्री विद यू कि वन शुड गो टू ऑल द वेरियस एवेन्यूज दैट आर अवेलेबल इंक्लूडिंग बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। जो उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है वो ज़्यादातर ये पब्लिकली शो नहीं करते और ये बताते नहीं है कि हमारे पास एक साल में कितने केस आए थे और कितने का है, ठीक है, और कोई भी नहीं देखता है और फिर अगला साल आ जाता है और ये पार्लियामेंट में पेश कर देते हैं उसको, उसको तो कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है एक्विटर्स आफ्टर एक्विटर्स होते गए हैं? अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है जब ये रफीक शाह और इन लोगों का जो अभी एक्विटल हुआ उस वक्त संजीव श्रीवास्तव स्पेशल CT हुआ करते थे और स्पेशल सेल के हिज चीफ ऑफ ED दिस डेज आलोक वर्मा CBI डायरेक्टर संजीव यादव वाज चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर इज डी फैक्टो चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ऑफ स्पेशल सेल। तो कहाँ कोर्ट क्या कर रहा है इसमें अब तक, उनको लिटिगेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? इफ समवन इज गिल्टी यू फाइंड हिम गिल्टी व्हाई शुड यू एक्सपेक्ट अदर्स और द अक्यूज्ड हु इज अ विक्टिम टू कम फॉरवर्ड फाइल अ केस अगेंस्ट द सिस्टम विच इज सो पावरफुल। क्यों ये करते हैं ये तो हमारी बात ही नहीं सुनते। मेरा नाम खालिद अंसारी है। देखिए कम्युनल प्रोग्राम्स का जो आपने जिक्र किया है अभी मेरे ख्याल से उसके दो हिस्से हैं, एक तो वो जो ऑलरेडी हो चुका है और एक वो जो अब होने जा रहा है। हम सबको शायद ज़्यादातर लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे कि अभी जो स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं उसमें जिस RSS BJP या कम्युनल फोर्सेस की आपने बात की है उनका इंटरनल पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो धक्के कराने का था। देर आर इनपुट श्योर शॉर्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट होता है लेकिन किसी वजह से वो वर्कआउट नहीं हो पाया। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सबको एक अवेयरनेस के लेवल पे ये जानना ज़रूरी है कि हम में से कोई भी अगर सामने आता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है तो लॉ में पर्टिकुलरली एक लॉयर के लेवल पे जुडिशियरी में क्योंकि आप खुद लॉयर हैं उसको क्या प्रोटेक्शन मिल सकती है नंबर वन,
कहां वो अपनी बात कहे जो इफेक्टिवली वो कंसर्न एड्रेस हो सके एंड हाउ टू डील विद द फ्यूचर प्रोग्राम्स. पास्ट इज गॉन, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फोरथकमिंग इश्यूज. नाम आयशा है. मैं बस ये कहना चाह रही थी कि इस तरह के इश्यूज जो बहुत रेगुलर हो गए इंडिया में, तो ये निमटना, मतलब जैसे आप कह रही हैं कि सेक्युलर पार्टीज भी उनके पीछे ही रहती हैं, नीतीश कुमार हो या समाजवादी पार्टी हो, तो बस एक ये हो सकता है कि एक बहुत सिटीजन ग्रुप जो बिल्कुल ही रेगुलरली मिलते रहा करें और एक रिपोर्ट हम लोग शेयर करें कि हमने कौन से केसेस लिए और उसमें क्या प्रोग्रेस है. और ये बिल्कुल रेगुलर, जैसे ये मीटिंग होती है यहाँ पर, उतनी ही रेगुलरली उस ग्रुप को मिलना चाहिए और उसमें किसी पॉलिटिकल उसका इंटरफेरेंस ना होने दें. बिकॉज चाहे वो माइनॉरिटी एक वो गवर्नमेंट, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, तब भी वो मेजोरिटेरियन फोर्सेस के नाम पर उसका बिकना और खरीदना बहुत वो प्रॉबेबल हो जाता है. तो ये पॉसिबल सिर्फ तभी है कब के कुछ थिंकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ सोचने वाले, कुछ समझने वाले, कुछ लॉयर्स, कुछ डॉक्टर्स, सब लोग साथ आके एक बिल्कुल रेगुलरली मिला करें एंड दे शुड वर्क इट आउट. अदरवाइज मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे कोई सलूशन नहीं दिखाई देता. जैसे अभी बिहार में एक बिहार शरीफ जगह अब वायलेंस हुआ, लेकिन जो यूथ है आजकल यूथ पार्टिसिपेशन चाहता है, आता है, लेकिन कोई ऐसा फैक्ट फाइंडिंग टीम, कुछ ट्रेनिंग कुछ ऐसा हो, ताकि आप खुद वकील हैं और बतलाएं कि कैसे एविडेंस को कैसे बचाया जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हिंदुस्तान में जो उत्तर प्रदेश या बंगाल बिहार, ये ऐसा, ये इतना नॉर्थ बेल्ट है, हमेशा कम्युनल वायलेंस होता है. तो कम्युनल हर स्टेट में दो तीन नौजवान बने आगे आए, उनसे आप खुद सीनियर एडवोकेट हैं और आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि हम लोग मिल के स्टोरी को आगे बढ़ें. कैसे पढ़ना चाहिए और वो किसी भी, किसी के लिए भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हालात हमारी कंट्री में ऐसे. मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, आपने जो एक बात रखी, मैं आपसे सहमत हूँ कि जो जुडिशियल सिस्टम भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है या वक्त नहीं लगता है या बहुत सारे, मतलब टेरर केसेस में खास करके अगर आप देखिए तो इनकी कभी बेल ही नहीं होती है. और फिर अगर जैसे 15 साल या 20 साल के बाद एक्विटल हुई तो क्या फ़ायदा, उनके 20 साल निकल गए, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ. लेकिन मैंने जुडिशरी का नाम इस से लिया कि हम करें तो क्या करें, मतलब एक जो, मतलब इस तरह से आप ये सोचिए कि मैं आपकी तरह ही हेल्पलेस हूँ. तो the only thing that one can think of कि जो भी, मतलब acquittals भी एंड में आए, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जुडिशल सिस्टम में भी अगर आप देख लीजिएगा तो बहुत कम्युनल जजेस हैं, हम लोग तो कई बार अक्सर देखते हैं. और मैं उस केस का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वी वर पार्ट ऑफ इट, बट एक टेरर इन्वेस्टिगेशन में NIA ने इन्वेस्टिगेशन किया था, हमने अपील आर्ग्यू की और वो जो जज है वो अक्विटल देना चाह रही थी एंड इट वॉज वेरी क्लियर कि वो अक्विट करती और उस जज का ट्रांसफ़र हो गया और हमको वो मैटर फिर से पूरा रीआर्ग्यू करना पड़ा और अगला जज जो था उसने कन्विक्शन किया. तो हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ जुडिशरी की बात इस कॉन्टेक्स्ट में रख रही थी कि जो भी रिलीज थोड़ा बहुत कभी भी किसी भी केस में आया है वो जुडिशरी से ही आया है, क्योंकि सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया है जब तक कि वो जो एक्सेप्शनल जो गुड बेचारे जजेस हैं या जिसने भी, अगर आप मुजफ्फरनगर में भी देख लीजिए, वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 लाख कॉम्पनसेशन विल बी गिवन जो भी रेप विक्टिम्स हैं, तभी मिला. उसके पहले एडमिनिस्ट्रेशन को तो किसी ने रोका नहीं था कि आप 5 लाख दीजिए या दिस इज नॉट इवन कि उसमें उन केसेस में सजा हो या नहीं हो, सिर्फ कि आपको कॉम्पनसेशन का क्या अमाउंट होना है. तो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा तब तक ही नहीं हुआ. अगर आप सिख दंगे भी देख लें, वहाँ पे भी जो वहाँ पे तो इनफैक्ट एंटी सिख रायट्स में तो कन्विक्शन ही नहीं हुए हैं, देयर बी नो कन्विक्शन. सज्जन कुमार, कमल नाथ, दे ऑल रोमिंग फ्री, वी नो दैट. तो उसमें भी जो कॉम्पनसेशन भी जो बढ़ा था वो भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ही बढ़ाया था. तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी, आप जो अक्विटल देखिए अक्षरधाम में भी जो अक्विटल हुआ वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ही किया, बिकॉज the system is extremely flawed and the judicial system is very flawed. But जो कुछ अच्छे judges हैं, जैसे अगर आप गुजरात में भी देख लीजिए, जो माया पुरनानी वाला जो केस था उसमें आप एक्चुअली इफ यू सी इट वॉज
a local trial court judge to punish someone. So, जो भी relief जिस केस में भी आया है वो judiciary से आया है और उसी context में भी मैंने सिर्फ judiciary की बात रखी थी. Not to say judiciary is a reflection of our society. अगर आपकी police communal है, अगर आपकी बाकी state institutions communal हैं, अगर आपका executive communal है, आपके जो MPs हैं, आपके जो ministers हैं वो communal हैं, then how can you expect कि आपकी judiciary communal नहीं रहेगी? It is you know the judges who are sitting there at all the levels. I think it is naive for us to think कि वो नहीं होगी. They be above the system. They are not, and we've seen that repeatedly. तो वही मैं clarify कर रही थी कि मैंने एक बहुत ही limited way में वो judiciary वाला point रखा था. और जहाँ तक आगे बढ़ने की बात है, अगेन आई थिंक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही एक कि एविडेंस जो है वो बहुत बार जैसे बचाना चाहिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या क्रिमिनल ट्रायल के लिए, वो नहीं हम इकट्ठा कर पाते हैं. उसके वजह से जब केसेस आगे बढ़ते हैं तो वो फिर वो फेल कर जाते हैं. हमने ये चीज़ देखी. आई थिंक गुजरात में सर यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग टू दैट पार्ट गुजरात के जो डिफरेंट केसेस थे उसमें भी ये देखा और भागलपुर वगैरह में भी ये देखा कि कई बार जो एविडेंस होता है, अब हमारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मतलब जो ट्रायल सिस्टम है उसमें आपको किसी को भी अक्यूज को ये तो प्रूव करना है ना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का जो एक थ्रेश होल्ड है उसके तभी जज जो है वो उसकी सजा करेगा. नाउ वी कैन नॉट से कि कम्युनल वायलेंस के लिए जी आप ये जो कंडीशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की है वो रिलैक्स कर दीजिए बिकॉज दैट विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग विद द बेसिक टेनेट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस. तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. वट वी कैन डू देयरफॉर एंड आई थिंक ही हैज रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई एम ग्लैड ही हैज रेज्ड इट इज कि एविडेंस जो है इट मस्ट बी प्रिजर्व एंड इट मस्ट बी प्रिजर्व जब हम देखते हैं क्लोज टू द टाइम जब कोई भी इंसिडेंट होता है. और हमने भागलपुर में फॉर इंस्टेंस आई गिव यू वन एग्जांपल इज कि नीतीश कुमार ने जो ही रीओपन 27 केसेस व्हेन ही केम बैक टू पावर इन 2005 एंड नाउ व्हेन दोज केसेस हैव गॉन टू कोर्ट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज कि इतने साल बीत गए हैं तो बहुत सारा एविडेंस उन केसेस में लॉस्ट हो गया है विच मीन्स कि एक्विटल्स हो जाएंगे फिर. सो इवन इफ यू हैव अ ट्रायल आफ्टर लेट्स से 20 साल के बाद अगर आपके पास सिस्टमैटिकली वो एविडेंस पहले से कलेक्टेड नहीं था तो उस ट्रायल का एक तरह से कोई फायदा नहीं है बिकॉज जज तो आपका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मांगेगा. आप प्रूव करिए अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. और अगर आपके पास उस लेवल का या उस क्वालिटी का एविडेंस नहीं है तो अक्विटल श्योर शॉट होंगे अगर आप री इन्वेस्टिगेशन भी करवा लीजिए अगर आप री ओपन भी करा लीजिए. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आई डोंट हैव अनफॉर्चुनेटली एनी आंसर्स टू इट एक्सेप्ट टू से कि वेन एवर दीज थिंग्स हैपन एविडेंस मस्ट बी कलेक्टेड एंड सिविल सोसाइटीज जो भी रिपोर्ट तैयार करती हैं विच दे हैव बीन डूइंग इन द पास्ट बट मे बी दे कैन डू इट विद अ व्यू ऑफ थिंकिंग कि चलो आज कन्विक्शन नहीं हो रहा है इसमें 5 साल के बाद कन्विक्शन होगा बट वी मस्ट गैदर थिंग्स इन अ वे कि हम बहुत एग्जॉस्टिवली इसको गैदर करेंगे. अगर टेस्टिमनीज भी हमने जैसे कलेक्ट किया आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जाम्पल अगर बहुत बार हम जो टेस्टिमनीज कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं बट जो लीगल फैक्ट्स आने चाहिए वो कई बार नहीं आ पाते हैं. सो मे बी सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग I think would be useful. Sir, do you want to add to that? Because it's a very important point. I have a question for you actually. No, but you have to answer this. First of all, Warisha, thank you for calling Atal Bihari's bluff. That was the most significant part of your presentation today. Secondly, you're a political commentator and you're a lawyer. And you were saying this now, but I think you need to say this more explicitly, that the logic of the courts is very different from the logic of political discourse, right? अभी हमारे पास एक सवाल आया था कि कुछ लड़कों को अक्विट किया कोर्ट ने और साथ साथ उन ऑफिशियल्स को जिन्होंने लड़कों को फंसाया था उनको जेल क्यों नहीं हुई या उनको सजा क्यों नहीं हुई. It's a very valid political question.
But it's an illogical legal question, because law does not work by way of larger truths or general truths. कि ये हुआ उन्होंने ये किया तो इनको सजा दे दें. जब तक कि हर स्पेसिफिक केस नहीं है इस तरह से सजा नहीं होती है. एंड देयर गुड रीजंस फॉर दैट एंड मे बी यू वांट टू कमेंट ऑन व्हाट दोस रीजंस आर. एंड आई जस्ट ऐड दैट बोथ यू आर अ डिफेंस काउंसिल राइट. यू स्पेंड अ लॉट ऑफ योर टाइम डिफेंडिंग टेरर अक्यूज्ड एंड आई हैव आल्सो स्लोली स्टार्टेड टू डू दैट. एंड we play on procedure, we play on technicalities when we being defense counsel. Hum abhi ek case behas karke aaye hain jisme ek ladka hai uske khilaf 23 cases hain, ek ke baad ek ke baad ek ke baad ek 23 cases hain. 6 mein usko bail mila hai, baki mein bail nahi hai uske paas. Aur meri puri behas ye thi ki jab aap bail de rahe the usko 6th case mein, आपने उसको क्यों नहीं बताया था कि तुमको जैसे ही बेल मिलेगा इस केस में तुमको दूसरे केस में अरेस्ट कर देंगे. यू शुड हैव टोल्ड हिम दिस एंड द फैक्ट दैट यू डिड नॉट टेल हिम दिस इज प्रोसीजरली इनकरेक्ट. इट्स गलत प्रोसीजर है, अब्यूज ऑफ लॉ है. ये सब जानते हैं कि उसके खिलाफ है 23 केस. कोर्ट जानता है, प्रोसिक्यूशन जानता है, हम जानते हैं, डिफेंस जानता है. बट वी आर प्लेइंग ऑन प्रोसीजर व्हेन वी आर बीइंग डिफेंस काउंसिल. लाइकवाइज जब हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस लड़ते हैं गुजरात में या भागलपुर में, तो डिफेंस को भी पूरा अख्तियार होता है. जो 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 लोग रायटर्स को बचाने आए हैं कि वो भी प्रोसीजर्स को पे करें. बिकॉज दैट इज द लॉजिक ऑफ लॉ. वी कांट हेल्प इट. लॉ डज नॉट वर्क ऑन पॉलिटिकल ट्रूथ. लॉ वर्क्स ऑन लीगल ट्रूथ. एंड आई वॉन्ट टू इन्वाइट मिस्टर मित्रा सिटिंग हियर एंड मुजम्मिल सिटिंग हियर. There's your book, Warisha. I mean, there's a body of work, there's a body of knowledge of what happened in Gujarat, what happened in Bhagalpur. Rana ki kitab hai. They're all very important, informative work. Why are they not useful in a court of law? Is it because the court chooses to turn a blind eye to these important work? Or is it because there is a difference in the standards of evidence required in political discourse and those required in the court of law, and they're entirely different? So is are we lacking something as political activists? Do we need to cross over to the legal side and produce knowledge that can actually be used to convict? I mean, it's still very useful building political discourse, but there is a gap. And maybe I invite both Manoj and Muzammil to say something about this, and maybe Warisha can add to this also. Yes, sit here on the table, because I'll be more visible. So that was one problem we had. We had difficulty tracking her because. I'd like to respond to a concern that more than one person expressed here about how credible is our legal system. How much reliance can we place on it, or do we cynically respond to it thinking that, okay, it's all our status compromise, nothing can come out of it? You know, what I want to point out in that context is that as she mentioned, in the 84 context there was hardly any justice to speak of, and in the 2002 context we are able to talk about, say, the conviction of Maya Kodnani, which is the first ever instance of a political leader being convicted for communal violence. And that's not a small achievement. And that did not happen out of the blue. It is important for us to understand why, relatively speaking, 2002 was more successful than 84. And the reason for that is there's been an evolution. And that evolution is a cause for hope. For optimism, evolution in terms of institutional progress. When 84 happened, there was nothing like, say, NHRC, National Human Rights Commission, came into being only in 1993. And I mention this particular institution, this particular safeguard, because that played a crucial role in 2002 riots, or pogrom, or carnage, not riots. And the role it played was that
the chief of NHRC at that time, Justice Verma, intervened. He was the first, NHRC was the first state institution to have pulled up the Gujarat government for its lapses, for its complicity. And this happened within a few weeks, within a few months of the carnage, right? And they followed up when West Bakery case collapsed, when Bilkis Banu case was not was closed by the state police. Now, such things happened in the context of 84 too, but there was no institutional safeguard to check and to sort of take corrective action when this kind of travesty of justice took place. So what happened in West Bakery was that NHRC under Verma's successor, Justice Anand, went before the Supreme Court and said that when something of this magnitude happens, when there is injustice of this order, the Supreme Court needs to intervene and correct the mistake that took place at the trial court level. The Supreme Court did not immediately intervene. It took, it was seized of the matter. It gave the machinery in the law and order machinery, the judicial machinery in the Gujarat state to take corrective action. And in the event, if nothing of that sort happened. And finally, after giving it that long rope, the Supreme Court was compelled. It had no option but to take the extraordinary and unprecedented step of transferring the case out of Gujarat, and which was a stinging blow to the Modi regime of Gujarat. It was an expression of no confidence in the system in Gujarat from the highest court of the land, right? And a fresh trial, a retrial was held in Maharashtra near Bombay, right? So this was a result of certain institutional reforms that took place because of the existence of NHRC and NHRC's follow-up, and it did not end with that. Now, NHRC petition continued to be there before the Supreme Court, and at some point under one of the judges, namely Pasayat, there was this extraordinary order of referring 9 most egregious cases to a special investigation team. Why was it done? Because it was felt that the local police, the Gujarat police, was too complicit, was not being objective, was not being honest enough to deal with the cases as they needed to be, right? So SIT was set up. Now it's another matter that even the SIT was not a perfect mechanism. We had problems with that. Some of the members of the Gujarat police were part of that, and some outsiders were there in the hope of making it more objective. But even then there was scope for mischief. But in spite of all that mischief, certain cases did result in convictions. And one such case, not too long ago, after Modi became Prime Minister in the Gulbarg Society case, again, it was just partial justice, you know. It went to the extent of saying making certain observations against Ehsan Jafri. But at the end of the day, we have this consolation of some people having been convicted. It wasn't wholesale acquittal as has been the case with a lot of cases, right? And if, say, Naroda Patia or some other cases resulted in convictions, cases which were investigated by SIT, right? If they resulted in convictions, it's again because, not just because SIT was referred this case, but again there was another institutional reform, which is that the Supreme Court said that these victims needed to be provided security, not again by the local police, because local police, if they were entrusted with the responsibility of providing security, then it would prove counterproductive. They would be at, these victims would be at the mercy of the local police, who would in turn be dancing to the tunes of whoever is in power, right? So the reform, the institutional reform that the Supreme Court made in that context was, it said that the security would be provided by a central paramilitary force. CISF, which is normally used for taking care of industrial establishments, or you would come across CISF personnel in airports, right? Now those people were specially sent to Gujarat
to provide security to those victims of Naroda Patia and other such cases, those egregious cases that were probed by SIT. That is how, at the end of the day, there are some convictions to speak of. As you very rightly said, there is no black and white situation. The situation is far from perfect, but there has been some evolution, there has been some progress. Let's be mindful of this progress. It is important for us to acknowledge this progress, because when something else happens, we are in a position to build on the reforms that have been made, consolidate those gains, and insist on those safeguards, those precedents being respected. Now, and one last thing I want to say, which is about Muzaffarnagar. Why I want to refer to Muzaffarnagar is because it brings out very vividly a different dimension of communal violence, and that is the changing nature of violence. You know, in the context of 84 or 89 Bagalpur, or 92-93 Bombay riots, or 2002 Gujarat riots, we saw a lot of killings taking place. Killings running into hundreds or thousands, right? But when it came to Muzaffarnagar, it again went on for a long time. You know, even in Gujarat context, as she rightly said, bulk of the violence took place in the first 2-3 days. After that, Modi was trying very hard, to his credit, it must be said. It was not, you know, he wanted that chute to be given, meaning that leeway to be given. The rioters were given a free run of Gujarat for about 3 days, you know, taking drawing inspiration from 84, right? After that, you know, having tasted blood, and it was something that was happening across the state, and there was too much of communalization of people, of the state machinery, he was unable to control. He was trying very hard, because it was not a good advertisement for him. It was showing that he was a very poor administrator. He was not able to control his police. He was not able to control his people. So those efforts were made later. But the fact of the matter is that it was those first 2-3 days that bulk of the killings took place. It was not to his liking that it dragged on for several weeks, for almost 3 months. But that's how it played out. It was not entirely in his control. Right? Unlike in 84, when the moment Indira Gandhi's funeral was over on the third day, it was as if the tap had been turned off. Suddenly the violence had all ended, the police were all very assertive, the army was suddenly very effective. Now in Gujarat again they tried something like that after 3 days, but it didn't work, right? Now in the case of Muzaffarnagar, there was never this. Right from the beginning, there was never that big spike in killings. There was violence, all right. There was a lot of communal propaganda. There was a lot of terrorization of victims. But at the end of the day, the death toll, I wonder if anybody here knows what the death toll of Muzaffarnagar was. About 60 official death toll, right? And in unofficial death toll, you can take it to be double that, which is often the case in our case. So, okay, still, the fact that at the end of the day, for violence that took place in far-flung places, right, not too long ago, why was the death toll so low? So we have to understand that the nature of this problem has changed. They realize that besides those institutional reforms I was talking about, there is this. Change in terms of technology. They realize that even in the context of 2002, it was said that this is the first communal violence to take place under the gaze of 24/7 news channels, right? Now, 2002 Muzaffarnagar violence, those news channels had proliferated. There were many more of them. And it was not just news channels. In 2002, mobile phone technology was still at an incipient stage, and there were no smartphones at that time. But in 2013, these had become very commonplace. Smartphones, every smartphone is a video camera, right? So there are risks that 84 culprits could take, or even 2002 culprits could take, which 2013 culprits could not take. So this kind of
body count will not work. So what they resorted to instead was to do it in a more subtle way. You terrorize them so much, you make things so difficult, so hostile for them, that they are all driven out of their homes, they are all driven out of their villages and forced to live in these camps, in subhuman conditions for prolonged periods. So that still serves the purpose of polarizing the voters, polarizing the population, of stoking these communal fires, of keeping that hatred alive, right? So we have to be mindful of how does this communal violence is playing out, how it is changing, and what are the reforms that we have already been able to achieve, and make sure that we build on that. You know, at the end of the day, one last point I want to make that, you know, in 84, there were so many instances of gender violence. You know, in a place like the worst hit in 84, since there are very many young people here, you might not know that it was in East Delhi, not very far from where we are sitting, in a place called Trilokpuri, Block 32 Trilokpuri, where scores of women were taken away from that place to a village called Chilla Gaon, not very far from there, a Gujjar village, right? And they were kept confined there overnight until the police came and, you know, under the pressure of media and all, they were rescued from there. So it was anybody's guess what might have happened to them while they were away, right? So there were many such instances in 84 as well of gender violence. But the situation was so hostile then. These institutional safeguards I was mentioning were non-existent at that time. So there was a strategic choice that was made by activists at that time that there was anyway so little hope of any justice being done. And they were not proved wrong by events, right? So why expose these women to the hostility of the system? Why put them in the witness box and subject them to that trauma all over again? So that was one very sad choice they were forced to make. And then as a result of which, when the time came for compensation, you know, 84 was the first time when the compensation was enhanced to 10 lakhs. As she said, it was because of the court judicial intervention. Now, the 10 lakhs was given for death, and there were certain lower figures given for grievous injuries, and certain amounts were given for loss of property. But nothing was given for rape victims, for victims of gender violence. What is the reason for it? Because none of them had admitted. None of them came forward and signed affidavits at the time, right? So they took advantage of that. Now, in the context of Muzaffarnagar, despite the progress that was made in 2002, you know, in 2002, the big thing I mentioned a while ago about Bilkis Bhan, that was one of the early cases where the police had closed the case and the Supreme Court forced them to reopen. They in fact referred the case to CBI, and that's how the case was reopened. And much to the credit of the husband of Bilkis Bhanu, he stood by his wife, and that gave her the courage to, you know, depose fearlessly, testify before the court against all odds, and she secured justice for the killers and rapists of her and her several family members of hers, right? So now, when it came to Muzaffarnagar, somehow we lost sight of that institutional, you know, success of ours. And we saw not too long ago, there was a report from Amnesty International, which put together all those cases, some 8 or 9 cases of gender violence, rapes, that materialized, that were filed in the context of Muzaffarnagar, but they all collapsed because, you know, those victims came under pressure and for various other such reasons. So this is only to underline that we need to keep ourselves, you know, focused on these reforms and keep fighting. There's no, if you lose hope, if you think it's all, if you look at it cynically, if you say kuch hone wala nahi hai, state is communal, courts are in the pockets of political leaders, then though, you know, people like her will not be able to fight these battles. As she said, there are so many instances, out of say 100 cases, we might have lost 80 cases. But even if we have succeeded in 20 cases, it's a success worth fighting for. And if we keep at it, the proportion of successful cases will increase. Thank you very much. Thank you, Madam.
लीडरशिप हुआ है और उससे एक फ़र्क पड़ा है कि कितनी नज़र रहती है और क्या रिकॉर्ड हो सकता है धर्मों के बारे में, और शायद उनको ऑर्गेनाइज करने वालों पर भी इसका असर पड़ा। फ्रॉम समवन हु नॉट फ्रॉम द मीडिया, आप मनोज के काम की बात हुई, मुजम्मिल किताबें लिखी गई हैं, वेरी ब्रेव जर्नलिज्म इज आउट देयर, पर जर्नलिज्म का एक एक्सटेंट बढ़ा है या जैसा मनोज ने कहा एक दायरा बढ़ा है, पर आप कैसे देखती हैं जब आप 84 के या 2002 के या 93 के रखते हैं और अब जो हमारा सबसे करंट रेफरेंस मुजफ्फरनगर का है, कोई भी फ्रॉम विद इन द जुडिशियल सिस्टम मीडिया की इंटरवेंशन को कैसे देखता है? न्यू मीडिया भी अब है, फैक्ट मीडिया भी अब है, जितना हम कह रहे हैं कि मीडिया कलर्ड होता जा रहा है, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं, इंडिपेंडेंट मीडिया भी है, तो क्या इंटरवेंशन आपको लगता है कारगर रहती है और कैसी, और उस इंटरवेंशन को विद इन द जुडिशियल सिस्टम कैसे परसीव किया जाए? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसमें मैं दो तरह का जवाब देना चाहूँगी। एक तो जो मेनस्ट्रीम ब्रॉडकास्ट मीडिया है, अगर आप देख लीजिए इस साल गुजरात के दंगों के 15 साल का एनिवर्सरी है, आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल करके देख लीजिए उसकी कोई बात नहीं है, जैसे कि गुजरात हुआ ही नहीं था, क्योंकि जब भी हमने कोई भी दंगा देखा है अगर 10 साल होता है या 15 साल होता है तो मीडिया उसको कवर करती है, क्या हुआ था, विक्टिम्स के क्या हालात हैं, हैव दे बीन एबल टू मूव ऑन। तो जहाँ तक मेनस्ट्रीम ब्रॉडकास्ट मीडिया का सवाल है, एज फार एज गुजरात इज कंसर्न, देयर इज कंप्लीट साइलेंस एंड वी कैन सी इट। आप कोई भी मतलब टीवी चैनल, आई डोंट रिमेंबर सीइंग एनी डिबेट ऑन इट, जो भी मतलब बातें हुई हैं एटलीस्ट ऑन गुजरात और रिमेंबरिंग द गुजरात एनिवर्सरी हैज कम फ्रॉम इनिशिएटिव्स लाइक दिस, या सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट कुछ कर रहे हैं, या विक्टिम्स ने कुछ ऑर्गेनाइज किया है, बस वही है, या इक्के दुके पेपर्स ने कुछ स्टोरीज चलाई हैं, बट अदरवाइज देयर इज कंप्लीट साइलेंस, एंड द साइलेंस इज बिकॉज कॉर्पोरेटर्स आर द प्राइम मिनिस्टर, यू नो व्हाट एवर, वी नो दैट, आई मीन पीपल हु वर पार्ट इन दैट। तो वो एक कंप्लिसिटी मीडिया की उस हिसाब से तो पूरी तरह से है, एंड आई थिंक वी शुड नॉट बी इन एनी डाउट अबाउट इट। आपकी दूसरा सवाल का ये पहलू ये है कि मतलब जुडिशरी किस तरह से व्यू करती है, मुझको लगता है कि कुछ चीज़ों में मीडिया का रोल पॉजिटिव भी रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू से मुजफ्फरनगर, आई थिंक मुजफ्फरनगर एट दैट टाइम जो भी कवरेज हुई 2013 में बाय द मीडिया, स्पेशली दिल्ली के पास था, दिल्ली में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं और बाकी जगह भी जो कि सेक्युलर माइंडेड हैं और कुछ एडिटर्स ऐसे हैं, तो उन्होंने अपनी टीम्स भेजी, आई थिंक मुजफ्फरनगर में मीडिया का रोल एक तरह से पॉजिटिव रहा ओनली बिकॉज इट केप्ट द इशू अलाइव फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड आई थिंक उसमें केसेस भी फिर फाइल हुए। ऑफकोर्स जो कम्युनल वायलेंस का केसेस होता है उसमें आपको पता है कि क्या होता है, वहाँ पे यूपी में बहुत सारे केसेस फाइल हुए लेकिन जो एक्चुअल अक्यूज थे दे नेवर गॉट पनिश्ड, और कुछ अब तो उसमें मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, बलियान, ऑल ऑफ दी अदर्स, तो बट दैट असाइड आई थिंक मीडिया डिड प्ले अ पॉजिटिव रोल। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग इन द सेंस दैट गुजरात में भी एक तरह से आप कहें कि गुजरात को एक नेशनल स्टेज में एक इशू बनाने में उस वक्त तो ब्रॉडकास्ट मीडिया ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया था, दे एक्चुअली कवर्ड इट, एंड आई थिंक मोस्ट वॉट आई फाइंड सरप्राइजिंग इज आई थिंक नॉट हाउ दे हैड कवर्ड गुजरात इनिशियली बट हाउ ऑल ऑफ देम हैव टर्न्ड अवे बिकॉज द पावर्स दैट बी आर द प्राइम मिनिस्टर, एंड सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग एस्पेक्ट कि जिन जर्नलिस्ट ने वो दंगे कवर किए हैं, अपनी आंखों से देखा है और ये देखा है कि मोदी का उसमें क्या रोल था, उन लोगों ने अपनी बात पलट दी है, एंड आई थिंक दैट इज यू नो दैट इज इन इटसेल्फ क्वाइट टेलिंग बिकॉज you know there are very few people who are stuck to their stand, and I don't want to name you know all the various journalists who covered at that time, and I'm talking about broadcast journalists also across channels who covered Gujarat, saw the brutality, saw the massacres and accurately reported it, and subsequently have decided and said ki Modi could not have known, CM ko kaise pata hota, he tried everything, and all kinds of excuses have then been subsequently made on Modi's behalf after he's become the prime minister. So that I think to me is actually the shocking thing, but one should not be shocked because I think
and I think so. In that sense, I think they are also complicit for having covered it properly and then subsequently changed their stand. I don't know if that answers your question, but yeah, I mean, not completely. सिर्फ आखिरी दो सवाल, एक मैं इस तरफ से लूंगा और एक इस तरफ से लूंगा। वेरी सॉरी, हमें 5:30 बजे खत्म करना था, लेकिन ऑलरेडी हम 15 मिनट आगे बढ़ चुके हैं। सो लास्ट टू क्वेश्चंस। राइट रोलर मोदी हे, सब लोग रिफॉर्म बताए कि ये दंगा होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है, बट आई डोंट सी एनीवन हैव टॉक अबाउट कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, व्हाई द पीपल्स इन मास इज लाइक 30 करोड़, द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज बीइंग massacred and guillotined and all. So, we were studying the historical medieval India, ancient India, and the new medieval India, and the, even the new liberal India, new independent India. So, उससे भी ज़्यादा जो preparations हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? So, मेरा तो बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल clear understanding है कि जो political state की sharing है Muslims की, वो बिल्कुल खत्म हो गई है. 0.6% है, 0.06%, too sorry. मतलब कि 100 रुपये में 60 पैसा गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर है मुसलमानों के. सो दिस मुस्लिम कम्युनिटी हैज बीन डीनेशनलाइज, दे आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एट ऑल, बिकॉज दिस वेरी कंसेप्ट ऑफ सिटीजन सिटीज इक्वालिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन द मिनिस्ट्रीज. आई एम आल्सो लॉयर एट यूनिवर्सिटी दिल्ली. सो देयर इज नो सिटीजन एट ऑल, दे आर डीनेशनलाइज. सो यू कैनॉट टॉक लाइक दैट यू आर एबल टू हैविंग द पावर्स ऑफ दिस इक्वालिटी एंड ऑल. सो दिस इज ऑल फैलेसी. प्लीज कम कम फास्ट. उसके बारे में सर आप एलोबरेट करते हैं कि उनका कैसा इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि हम लोग हमारे जैसे जो आंदोलन है वो तो क्वेश्चन करेंगे नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो हम जानना चाहते हैं. बस अटल बिहारी वाजपेयी का आई जस्ट से दैट 1983 में जो नली मैसेकर हुआ उसमें देयर वाज अ पार्टी कॉल्ड असम गणो परिषद विच वॉज एक्चुअली अ स्टूडेंट्स पार्टी एंड दैट एंड ऑल्सो देयर वॉज अनदर पार्टी कॉल्ड आसू असम स्टूडेंट यूनियन. आई मीन दे वर बेसिकली वर्किंग विद ईच अदर. सो the BJP got along with these parties और नली के मैसेकर में almost 3,000 people or more than 3,000 people were killed, and people said that Atal Bihari Vajpayee was present there exhorting the mobs and was part of the planning along. So BJP at that point in time was not a force in the sense ki of course, you know, we're talking about 1983, but he was present there and exhorting the mobs, and ye jo the Assam Gana Parishad that was there, it was using the students, unke students ko use karke BJP and RSS unhone. So basically he was there wahan pe jo bhadkane ki jo baat thi, aur wahan pe actually ye jo immigrant issue hai, that is a very touchy issue. So wahi immigrant issue ko aur wahan pe elections were due. And just before this violence broke out, and the BJP at that time, in whatever form it was, along with these people and the RSS, not only instigated the violence, but also exhorted the mobs, and you know, more than 3,000 people were massacred. Or इन्होंने जो एक question पूछा था, I think that what are the reasons? I think there are many different reasons, and मतलब एक I think it's a long conversation. But बहुत सारे reasons हैं, including the fact that there is communal mobilization at the lower levels, and it's also used as a political tool to polarize votes and so on. And there are many many other reasons. Commissions of inquiries have identified it. What I'll really urge all of you to do is कि एक कोई particular reason नहीं है. For instance, in Bhagalpur, people said that there was one of the reasons was also कि वहाँ पे मुस्लिम्स वर इन अ गुड पोजिशन, और सिल्क इंडस्ट्री जो भागलपुर की थी, दे यूज टू कंट्रोल दैट, एंड सो देयर वर आल्सो पार्टली इकोनॉमिक रीजन व्हाई पीपल वांटेड टू टेक ओवर द सिल्क इंडस्ट्री विच वाज कंट्रोल. सो आई थिंक दैट देयर ऑलवेज अ मिक्स ऑफ रीजंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कम्युनल मोबिलाइजेशन बाय द पार्टीज, एंड देयर देयर वर वन रीजन, दैट्स ऑल आई कैन से, कि कई डिफरेंट रीजंस दे कम टुगेदर एंड देन वी सी दैट. Thank you all very much for being here. बहुत शुक्रिया वरीशा. और
आपसे गुजारिश है कि किताब जल्दी खरीद लें, इसलिए कि हमारे साथी सामने बैठे हैं रिजवान साहब जो एक कोचिंग चलाते हैं प्लाज्मा कोचिंग, उन्होंने नहीं बची है, तो आपसे गुजारिश है कि वो जरूर आप खरीद लें और साइन करा लें आपके तालबा से। और जिन लोगों ने भी चाय पी है उनसे गुजारिश है कि अपने कप को वहाँ पर रख लें, वहाँ पर।